नमस्कार, मैं डीसी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का कहर टूटा है। कन्नौज और उन्नाव जिले में भारी बारिश, आंधी, ओले और बिजली गिरने से करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। कन्नौज में 5 और उन्नाव में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आंधी बारिश के कारण संपत्ति को भी गहरा नुकसान पहुंचा है। कन्नौज जिले के ठटिया क्षेत्र में शनिवार दोपहर आंधी बारिश और ओले गिरने से जुड़े हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि छतरपुर गांव में बने इंडियन गैस सर्विस के गोदाम की छत ढहने से वाहन चालक विद्यासागर की मौत हो गई। दूसरी घटना ठटिया थाना क्षेत्र के सुरसा गांव में हुई। यहां तूफान और बारिश से दिनेश पाल के घर की दीवार गिर गई, जिसमें दिनेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि तीसरी घटना भिकनी पुरवा में हुई है। यहाँ 80 वर्ष के रामाश्र अपने आंगन में बैठे थे, अचानक उनके सर पर ओले गिरने से उनकी मौत हो गई। कुमार ने बताया कि पांचवी घटना रमईपुर में हुई थी। वहीं 18 साल का नीलू पेड़ के नीचे खड़ा था, तेज बारिश और आंधी के कारण वह पेड़ उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में दर्जनों पेड़ गिरे हैं और साथ ही सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य कर रहा है, अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। तूफान के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और राहत बचाव के साथ तहसील स्तरीय अधिकारियों को जांच कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।